आपने सिंध हुकूमत के बारे में सुना होगा, हम तो कुछ करते ही नहीं हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हम करते ही नहीं हैं। वेल, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इलेक्शन की मंशूर में इंट्रोड्यूस करवाए थे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलके इदारे चलाएंगे और मुल्क चलाएंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत दावे नहीं काम करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से इदारे और मुल्क चलाएंगे। बिलावल भुट्टो का जिना अस्पताल कराची में नए साइबर नाइफ यूनिट के इफ्तिताह पर खिताब, कहा शहबाज शरीफ कराची आए उन्हें सरकारी अस्पतालों का दौरा कराएंगे। मुराद अली शाह अजरा पेचोहो को लाहौर भेजने के लिए तैयार हैं, चाहते हैं लाहौर के अस्पतालों को भी मुफ्त सहूलत मिले। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर बने, मैंने उनसे कहा तीनों अस्पताल जो है ना, एससीएच, एनआईसीवीडी एंड जेपीएमसी, एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट करके दें। हम तो चाह रहे थे 99 ईयर अग्रीमेंट, 25 साल का अग्रीमेंट किया है कि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि संभालेगी सिंध हुकूमत। ये किसी और का काम भी नहीं है, ये काम हमारा आइन कहता है कि सूबे ने करना है। काम पर यकीन रखते हैं, बिलावल भुट्टो से दरख्वास्त की है कि जिना अस्पताल विफाक से वापस लेकर दें। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं सारा दिन न्यूज कॉन्फ्रेंसेस करता फिरूं तो काम कब करूंगा। पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया कि वो हुकूमत पंजाब के फंड में से 45 अरब रुपया जो है वो निकालेंगे और उस 45 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे 201 यूनिट से लेके 500 यूनिट तक के सार्फीन को। तमाम सूबाई हुकूमतों के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो फर्दर रिलीफ दे सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने अपने फंड से 45 अरब रुपए से सब्सिडी दी, तमाम सूबाई हुकूमतों के पास रिलीफ देने का ऑप्शन मौजूद है। अता तारड़ कहते हैं कि विफाक ने अगर एक कदम उठाया है तो सबके पास चॉइस है, मामले पर तनकीद के बजाय इसे सराहा जाना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने पंजाब के शहरियों को 2 महीने के लिए 14 रुपए पर यूनिट सहूलत उन्होंने दी है। सवाल ये पैदा होता है कि सितंबर के बाद फिर क्या होगा, फिर बिजली की वही कीमत होगी। 2 महीने की रिलीफ जो है वो सिर्फ एक सियासी दिखावा तो हो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिलीफ लोगों के लिए नहीं है। बिजली सस्ती महंगी करना सूबाई हुकूमत के दायरे अख्तियार में नहीं, अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए। सईद गनी कहते हैं पंजाब में बिजली बिलों पर रिलीफ 2 माह के लिए है, सितंबर के बाद क्या होगा, आरजी रिलीफ दिखावा है, मुस्तकिल सहूलत दी जाए। 3 दिन से सिंध हुकूमत परेशान है, आप हसद ना करें, हिम्मत करें और सिंध की आवाम को रिलीफ दें। उस्मा बुखारी का सईद गनी को जवाब, कहा अवामी रिलीफ के इकदाम पर फजूल सियासत करना बाइस ताज्जुब है। जो 14 रुपए की रिलीफ पंजाब में दी गई है, उस 14 रुपए की रिलीफ का कोई मॉडल बनाकर सूबाई हुकूमत पंजाब की तरह कोई सब्सिडी देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वफाक एट सोर्स सूबाई सिंध के पैसे काट कर कराची को ये सब्सिडी दे। एमक्यूएम का सिंध में बिजली की कीमत में सब्सिडी देने का मुतालबा, फारूक सत्तार कहते हैं 14 रुपए फी यूनिट की सब्सिडी अगर सूबा नहीं दे सकता तो विफाक दे। हाफिज नईम बोले बिजली बिलों में कमी का मुतालबा बरकरार है। आर्टिकल 6 लगाना चाहें तो अपनी खुशी पूरी कर लें, आरिफ अलवी कहते हैं डिजार केसेस चला चुके हैं, मजीद भी केस बना दें, पाकिस्तान में हूँ पाकिस्तान में ही रहूंगा। 190 मिलियन पाउंड केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसले से रोक दिया, नैब से जवाब तलब, जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस बाबर सत्तार ने अहकाम जारी किए, समाद बुध तक मुलतवी। अडियाला जेल में नए तोशाखाना रेफरेंस की समाद, बानी पीटीआई और बुशा बीबी जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल, एहतसाब अदालत का दोनों मुलजमान को 2 सितम्बर को पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म इख्तियारात से तजावुज है, हाईकोर्ट के पास अस्खुद नोटिस का इख्तियार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बुशरा बीबी और नजम साकिब से मुतालिक ऑडियो लीक्स केस में हाईकोर्ट के अहकाम को मौतल कर दिया, मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया। एक सियासी जमात ने जिसने सियासत का लिबादा ओढ़ा है, एक मुनज्जम तरीके से कैंपेन चलाई जा रही थी, मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया गया, खत लिखा IMF को, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रेजोल्यूशन 901 भी पास करवाई, चारों अतराफ से हत्तुल इम्कान नुकसान पहुंचाने की मुनज्जम कोशिश की जा रही है। मैं तो उसको गुरोह कहूंगा क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं।
मुल्क के खिलाफ मुनज्जम प्रोपेगेंडा किया गया, मुनज्जम मुहिम चलाई गई। अमरीका में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पास कराई गई। बैरिस्टर अकील कहते हैं पीटीआई पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती, मुल्क को सफारती तौर पर तन्हा करने के एजेंडे पर गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल तलब, 5 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बोली के तरीक़ाकार की तौसीक भी इसमें शामिल। सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी, सड़कें बह गईं, दर्जनों देहात का राबता मुनकता, पहाड़ी इलाकों में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले, किला अब्दुल्ला में रेले में बह जाने वाली गाड़ियों को निकाल लिया गया। खैबर के इलाके घंडी में 3 बच्चे तालाब में डूबकर जा बहक, राजनपुर में डूबने वाले शख्स की लाश मिल गई। भारत आबी जाहरियत से बाज ना आया, बगैर इतला दिए पाकिस्तान की जानब पानी छोड़ दिया। दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होना शुरू, सैलाब का खदशा। लाहौर में बारिश रुक गई, लक्ष्मी चौक पर सबसे ज्यादा 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सर्विसेज अस्पताल लाहौर की इंतजामिया ने मरीजों की जिंदगी खतरे में डाल दी, वार्ड बॉय मरीज को दूसरे वार्ड में मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस के बजाय बेड को ही सड़क पर ले आया। पार्लियामेंट हाउस में होगा चूहे बिल्ली का खेल, दनदनाते चूहों के शिकार के लिए बिल्लियों की खिदमात लेने का फैसला। सीडीए ने 12 लाख का बजट मुख्तस कर दिया, चूहे पकड़ने के लिए खसूसी पिंजरे भी लगाए जाएंगे। ताजरों का ताजर दोस्त स्कीम पर नजरसानी का मुतालबा, एफबीआर का मुशावरती इजलास, चेयरमैन एफबीआर और ताजर रहनुमा वीडियो लिंक के जरिए शरीक। मुल्क में कपास की पैदावार में नुमाया कमी, 15 अगस्त तक पैदावार 10,75,000 बैल्स रही, सिंध सबसे ज्यादा मुतासर, 54% पैदावार कम हुई, वजह मौसमी हालात बताई जा रही है। लापता यूट्यूबर घर पहुंच गए, लाहौर हाईकोर्ट ने ऑन खोसा को 20 अगस्त तक बाजियाब कराने का हुक्म दिया था। और लेजेंडरी गुलूकार अताउल्ला ईसा खान खेलवी 73 बरस के हो गए, 7 मुख्तलिफ जबानों में 50,000 से ज्यादा गीत गाकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी समेत मुतादिद एजाजात से भी नवाजा गया।